हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गांव में बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कैसे लगा सकते हैं। मैंने गांव में रहता हूँ, मैंने अपने गांव में बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगवाया है और पूरा कंप्लीटली आपको सेटअप करके आज दिखाऊंगा और साथ ही कंप्यूटर में स्पीड टेस्ट करके भी बताऊंगा कि कितनी स्पीड हमको देखने को मिलती है। तो जो हमारा घर है वो हमारा गाँव में आता है, इस वजह से जो प्राइवेट कंपनी है वो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं देती। इस वजह से मैंने बीएसएनएल की साइट पर जाके अप्लाई किया था। बीएसएनएल है वो जो कि हर जिले और हर गाँव में अपना इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए मैंने सबसे पहले अपना गूगल पे बीएसएनएल की साइट पर गया। यहाँ पर अपना स्टेट पे क्लिक करके जो भी आपका स्टेट है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारे प्लान देख सकते हैं। यहाँ पर जो फाइबर का एंट्री प्लान है वो 329 रुपये का है, जिसमें आपको 20 Mbps की स्पीड और 1000 GB डाटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके की जो प्लान है वो आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। फाइबर बेसिक प्लान है जो कि 499 रुपये का है, इसमें आपको 40 Mbps की स्पीड मिलती है। और फिर जो हमारा आता है बेस्ट प्लान वो है 999 रुपये का, और जब सबसे हाईएस्ट प्लान है वो है 4799 का, जिसमें आपको 300 Mbps की स्पीड और 6600 GB डाटा आपको देखने को मिलता है। तो मैंने अभी लगवाया है, तो मैंने अभी आप फाइबर बेसिक न्यू प्लान लिया है जो कि 449 रुपये का था। इसमें मुझे 30 Mbps की स्पीड और 3300 GB डाटा देखने को मिलता है। फिर मैंने इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और 2 से 3 दिनों के अंदर मेरे घर में बीएसएनएल की केबल डल गई, जो कुछ इस तरीके की वहां से खम्भे से होते हुए आई है ये केबल और मेरे घर पर लग गई है। तो उनने ये केबल डाल दी थी जो कि 2 से 3 दिन का टाइम लगा था। अब मेरा जो रूम है वहां से मैंने केबल यहाँ पर मंगवाई थी, तो केबल कुछ इस तरीके की डली है। और यहाँ पर आप केबल का एक बॉक्स देख सकते हैं, ये मैंने उनसे बोला था कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा केबल दे दीजिएगा, जिससे मैं आगे चलकर राउटर किसी भी घर में लगाऊं तो मुझे एक्स्ट्रा केबल ना लेनी पड़े। इसी वजह से उनने 20 से 25 फुट एक्स्ट्रा केबल दे दी थी, क्योंकि अगर आप बाद में केबल एक्स्ट्रा मांगेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। इस वजह से मैंने उनसे बोल दिया था कि मुझे 20 फुट की एक्स्ट्रा केबल चाहिए है। तो उनने कुछ इस तरीके की सेटअप कर दिया था। इसके बाद जो राउटर तक केबल गई है वो कुछ इस तरीके की आई है। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर से पीले कलर की डोरी निकलती है जो कि हमारे मेन राउटर में जाती है। वो पीले कलर की डोरी है वो यहाँ से आ चुकी है। और यह है हमारा बीएसएनएल का राउटर। ये बीएसएनएल कंपनी का तो नहीं है, इसमें कंपनी लिखी है स्काई टैच। ये कोई कंपनी है जिसका बीएसएनएल के साथ टाई अप करके ये राउटर हमको देखने को मिलता है। वही बगल में ये टीपी लिंक का वाईफाई है, ये मेरा खुद का वाईफाई है, ये मैंने खुद परचेस किया था क्योंकि इससे स्पीड बहुत हमको तेज देखने को मिलती है। तो ये जो राउटर है ये सिंगल बैंड का राउटर है, इसमें दो दो एंटीना आपको देखने को मिलते हैं और बाकी इसकी स्पीड अच्छी है। और साथ है यहाँ पर इसका मॉडम सेटअप है, यहाँ पर लैंडलाइन आपको देखने को मिलता है और साथ में दो आपको इंटरनेट के पोर्ट है, यहाँ पर दो बटन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लैंडलाइन का ऑप्शन है, इसमें आपको एक सिम नंबर भी देखने को मिलता है, तो आप लैंडलाइन लगा के भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये हमारा वाईफाई का कम्प्लीटली सेटअप। जो इसका वाईफाई का मॉडम का जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर इन लोगों ने मेरा जो टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पर लिख दिया था, जो लैंडलाइन नंबर, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको छुपा लिया है। बाकी ये इसका राउटर का बॉक्स है, इसमें लिखा है यहाँ पर कि 3 ईयर का आपको वारंटी है। बाकी इन लोगों ने कुछ बताया नहीं मुझे वारंटी के बारे में। तरीके से कुछ राउटर आपको देखने को मिलता है। और बाकी अब हम चलते हैं कंप्यूटर पर, तो यहाँ पर आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाते हैं कि हमको कितनी स्पीड देखने को मिलती है, जो कि मैंने अभी 30 Mbps का प्लान लिया था। तो चलिए मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली गूगल पर जाके यहाँ पर स्पीड टेस्ट सर्च करता हूँ। स्पीड टेस्ट पर आ जाने के बाद यहाँ पर मैं स्पीड रन करता हूँ, तो जो भी हमारी स्पीड है वो हमारी 40 से तो ऊपर, आप देखते हैं कितनी स्पीड हमको देखने को मिलती है। हमने 30 Mbps का प्लान लिया था, जो कि हमको स्पीड है वो 35 Mbps की देखने को मिली है और अपलोडिंग स्पीड है वो भी 20 से ऊपर है। तो इस तरीके का कुछ बीएसएनएल का आपका राउटर देखने को मिलता है। तो आपको भी अगर कनेक्शन लगवाना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।